मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, नए नियम के सवाल में हम ध्यान करेंगे आज मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 16, 17 और 20 वचनों में कई तीन सवाल है, उसको हम मनन करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 19, 16, 17, 20 मैं पढ़ती हूँ। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उसे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझसे किस बात की गति है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर गंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रिय भाई बहन, इधर हम एक जवान व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। वो अनंत जीवन पाने के लिए, जीवन में प्रवेश करने के लिए मुझे क्या भला काम करना है, वो ऐसे पूछ रहा है यीशु मसीह से। मैं सोचते रही क्यों ये ऐसे पूछ रहा है, क्योंकि उसके पीछे प्रभु तुरंत बोलता है, आज्ञाओं को पालन कर, माना कर। तब वो व्यक्ति बोलता है, मैं ये सब आज्ञाओं को बचपन से पालन कर रहा हूँ, और मेरे अंदर क्या गटी है, और किस बात की गटी है, और भी ऐसे पूछ रहा है। उस जमाने में यीशु मसीह भी जो मूसा का नियम के अंदर रह कर सेवकाई किया, और ये जवान भी मूसा का नियम का अंदर रह कर जी रहा है। उस जमाने में जो जो ऐसे रहते थे, सारे आज्ञाएँ मूसा का व्यवस्था भाग रीति से पालन करना पड़ता है। हत्या नहीं करना, हम भी कई लोग हत्या नहीं किया अभी तक। चोरी नहीं करना, चोरी नहीं किया हम भी कभी विभिचार नहीं किया। कई लोग ऐसे कई चीज़ें हैं, माता पिता को हम आदर करते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी पूरा पूरा उसको नहीं कर पाएगा। बागर रीति से जो जो मूसा का व्यवस्था लोग पालन करते थे, वो लोग को अंदर, वो लोग के अंदर एक निश्चय रहता था, हम मरने के बाद में हम परदेश जाएंगे। जो परदेश है पैराडाइज, जो स्वर्ग, स्वर्ग अलग है पर परदेश अलग है। लेकिन परदेश किधर था? यीशु मसीह मर के जी उठने के तक परदेश आदिश मतलब पाताल के पास ही था, लेकिन पाताल में आदिश में बुरे लोग जा रहे थे, परदेश में जो जो उस जमाने में आबेल से लेकर जो जो अब्राहम को तो व्यवस्था नहीं दिया, जिस जिस युग में वो लोग रहे, काल में रहे, वो लोगों को क्या क्या प्रभु ने प्रकट किया, उसके अनुसार प्रभु का डर से जो जो जिए, वो लोग सब परदेश में गए। उस जमाने में सबको वो रहता था जो जो पालन करते थे, लेकिन ये जवान क्यों फिर आकर अनंत जीवन पाने के लिए मैं और भी क्या करना है करके क्यों पूछ रहा है? प्रिय भाई बहनों, इस जवान का अंदर और भी कुछ चीज़ें हैं, उसको भी मुझे पाना है करके एक प्यासा था, प्यासा था। दूसरे लोग के जैसे हम यीशु मसीह के समय में देखे, कई लोग यीशु मसीह के पीछे नहीं गए। कोई कोई लोग थे बारे चेले और जो जो उनको उनसे चंगाई पाए हुए कोई एक झुंड, वो लोग पीछे पीछे जा रहे थे। हमको मालूम है
प्रेरितों का प्रेरितों के काम में दूसरा अध्याय में जब ऊपर की कोठरी में पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने का समय केवल 120 लोग थे और प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान पाकर 500 लोगों को भी ज़्यादा लोगों को दर्शन दिया करके पौलुस लिखते हैं। इसलिए उस समय में कई लोग ज़्यादा लोग यीशु मसीह के पीछे नहीं गए, थोड़े लोग गए और ऐसे गए जाने वाले लोगों को निंदा हुआ हुआ होगा, निंदा किए होंगे। परसी लोग सदु के लोगों का निंदा तो होता था और दूसरे लोग भी परिवार वाले भी उनको निंदा किए होंगे, लेकिन कोई एक झुंड यीशु मसीह के पीछे जाता था। ये जवान ये सब देख रहा है, उसको भी यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए मन लग रहा है। ये यीशु मसीह थोड़ा अलग लग रहा है, ये अलग अलग उपदेश दे रहे हैं, नया नया कुछ चीज़ है। मुझे ये 10 आज्ञाएं मूसा का व्यवस्था केवल पालन करने से भी ज़्यादा कुछ चीज़ें है करके वो समझ गया होगा, इसलिए आकर पूछ रहा है। इसलिए एक सुसमाचार में इससे प्रभु का वचन लिखता, प्रभु उनके ऊपर तरस खाकर प्रेम करते हुए बोला है, तुम और भी एक कमी तुम्हारे जीवन में है, तुम्हें तुम्हारा संपत्ति सब बेचकर गंगा लोगों को बांट कर फिर उसके बाद में मेरे पीछे हो ले, ये बोल के प्रभु छोड़ दिया। उसको सुनकर वो बहुत उदास हो गया और चला गया, यीशु मसीह के पीछे नहीं गए। प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह के पीछे जो जो गए, यीशु मसीह के साथ अपना आपको जो जो जोड़ दिए यीशु मसीह के मृत्यु के पहले, वो लोग के बारे में आपको मालूम है, वो लोग कलीसिया बन गया। यीशु मसीह बलिदान होकर पुनर्थान होकर जी उठने के बाद में कलीसिया बन गया गए, जो यीशु मसीह जिंदा रहने का समय में उसके पीछे पीछे गए। पागल जैसे 12 चेले लोग सब छोड़कर हम आपके पीछे आए करके बोल रहे हैं, यीशु मसीह को भी पकड़ने के लिए उसका परिवार वाले आए थे, मरियम और उनके भाई लोग भी, ऐसे लोग, लेकिन ऐसे लोग सब कलीसिया बन गए, कलीसिया का भाग बन गए। नई सृष्टि का अनुभव उनको मिल गया, उद्धार पा लिया, अभिषेक पा लिया, एक नया युग, अनुग्रह का युग में, कलीसिया के युग में वो लोग आ गए हैं। वो लोग उस समय में वो लोग को पता नहीं चला था, यीशु मसीह थोड़ा थोड़ा बता रहे थे, नए नई सृष्टि का अनुभव कुछ होने वाला आ गया, पवित्र आत्मा का अभिषेक वो मिलने वाला आ गया, उसके पहले मुझे मैं मरना आ गया, क्रूर रीति से क्रूस में मरना आ गया, ये सब प्रभु बोलते रह रहा है। लेकिन ज़्यादा लोग को समझ में नहीं आया, लेकिन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कई लोग प्रभु के पीछे गए, छोड़कर गए, लोगों के निंदा अपमान को सहन कर गए, पागल जैसे लोग बोले होंगे फिर भी गए, परसी लोग सदकी लोगों का धमकी उनको भी तुच्छ गिनते हुए, ठीक है हम तो जाना ही है यीशु के पीछे करके गए। कई बहन लोग अपने संपत्ति से प्रभु की सेवकाई करने के लिए उसके पीछे पीछे गए, ये सब प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने आप को जोड़ दिया गए, इसलिए वो लोग कलीसिया का भाग बन गया है। लेकिन ये व्यक्ति संपत्ति को तुमको बेचना करके बोल दिया तो उसको बहुत दुख हो गया है। वो पाना चाहता था जो भी कलीसिया में जो आने वाले चीज़ जो जो हो रहा है, होने वाला था उस समय में पता नहीं चला, लेकिन उसका अंदर कुछ हो रहा है, ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें हो रहा होने वाला है यीशु मसीह के पीछे जाने वालों को, और कुछ यीशु मसीह के अंदर तो कुछ है करके, लेकिन उसके लिए वो कुछ छोड़ना नहीं चाहता था। उसका तब बहुत बड़ा संपत्ति था इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन गरीब लोग होगा तो जल्दी से छोड़ के आ जाएंगे करके भी हम नहीं बोल सकते। कोई भी व्यक्ति गरीब भी हो, अनपढ़ भी हो, पढ़े लिखे भी हो, धनवान भी हो, कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए कुछ चीज़ों को तो छोड़ना पड़ता है, लेकिन जो जो अपना आपको इनकार करके क्रूस को लेते हुए यीशु मसीह के पीछे गए, वो लोग सचमुच में बहुत बड़ी आशीष पाई। हम देखते हैं वो यीशु मसीह जिंदा रहने का समय में, रात का समय में निकोदेमस करके एक बाइबल टीचर परसी, वो
चुपके से आकर यीशु मसीह से बात कर रहा है, उसको भी इच्छा आ गया यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, लेकिन वो भी सोच रहा है, दूसरे फरीसी लोग यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं, उसको मार डालने के लिए चाहते हैं, सबको अपमान करते हैं, इसलिए वो सोच के ऐसे रखा होगा। जब यीशु मसीह जिंदा था निकोदेमस उसका पीछे पीछे नहीं गया, और दूसरा एक व्यक्ति यूसुफ अरिमतिया करके जगह का व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान था, वो भी यीशु मसीह जब जिंदा रहा उसके पीछे पीछे गया करके हम देखा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह मरने के बाद में वो लोग तुरंत अपने आप को यीशु मसीह के साथ अपने आप को पहचान लिया, यीशु मसीह के साथ अपने आप को उसके साथ जो उसका नाम के साथ अपने आप को जोड़ दिया। कैसे? यीशु मसीह मर गया क्रूर मृत्यु, एक कैदी बनकर और मरा। अभी भी आजकल भी हम देखिए कोई भी फांसी लगा रहा है कोई क्रिमिनल को, कोई भी जाकर उसके साथ अपना नाम को जोड़ना नहीं चाहेंगे, कोई भी ऐसे अपना आप को पहचानना नहीं चाहेंगे उसके साथ, वो मेरा इतना प्रिय दोस्त था, ये था वो था करके चुपके से ऐसे शर्मिंदा होकर वो लोग जाएंगे फांसी लगाने के बाद में शरीर को लेके जाएंगे। लेकिन ऐसे ही व्यक्ति था यीशु मसीह का भी, ऐसे ही मृत्यु हुआ, रोम सरकार उसको क्रूस में क्रिमिनल जैसे उसको दंड दिया, लेकिन यूसुफ अरिमतिया का यूसुफ और निकोदेमस उस समय में सब लोग देख रहे हैं, पिलातुस के पास हिम्मत के साथ वो जाकर परमिशन ले रहा है, पिलातुस भी चकित हो गया होगा, ये बड़ा व्यक्ति है धनवान है यूसुफ अरिमतिया यूसुफ, ये अभी निकोदेमस ये लोग को क्या हुआ, ये कैदी जो मरा गया क्रूर रीति से उसके साथ अपने आपको पहचान ले रहे हैं जोड़ रहे हैं, लेकिन वो लोग जोड़ा, वो लोग पूरा उसका अच्छा से कपड़ा लेके आया, उसका शरीर को नीचे लेके आकर पूरा कपड़ा को लिपटा कर उसको अच्छा से गंध रस सब अच्छा सेंस सेंट सब लगा कर वो लोग को उसको एक अच्छा कब्रस्थान में एक उसमें अंदर रखा। ये लोग यीशु मसीह मरने के बाद में उनके साथ वो लोग अपने आप को जोड़ दिया गए। और भी देखिए प्रेरितों के काम में दूसरा अध्याय में पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल रहा है उधर 120 लोगों को, उसके बाद में पत्रस खड़े होकर प्रचार कर रहा है, 3000 लोग 4000 लोग मन फिर गए, हम क्या करना है, आप लोग मन फिरिए यीशु मसीह के नाम के साथ अपना जुड़ जाइए और बपतिस्मा लीजिए कलीसिया में भाग लीजिए। कितने लोग इस ऐसे पेंतेकोस्त का दिवस के बाद में भी कितने लोग अपने आप को जोड़ दिया, आज भी हम यीशु मसीह के साथ हम जुड़ रहे हैं, हम लोगों को मेल मिलाप का संदेश देकर उसके साथ हम मेल मिलाप कर रहा करने का सेवका ही प्रभु के बच्चे लोगों के लिए प्रभु दिया गया, ये हम भूलना नहीं चाहिए। जब जिंदा रहने का समय में वो लोग क्या सोचे होंगे यीशु मसीह का बारे चेले लोगों के बारे में, वो लोग कोई भी कुछ भी ज़्यादा आदर उधर मान नहीं मिला होगा, लेकिन देखिए 12 प्रेरितों को प्रभु क्या क्या दिया है, कलीसिया शुरू हुआ उनके द्वारा, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर वो लोग प्रभु के लिए गवाही बनकर खून लघु भगाकर वो लोग अपना मृत्यु मार्टेर मृत्यु हुआ शाहिद हुए। इतना ही नहीं है स्वर्ग में भी देखिए 12 चेले लोगों का नाम वो यरूशलेम शहर में उधर लिखा हुआ है नींव में, देखिए कितना प्रभु, इतना ही नहीं प्रभु बोल रहे हैं जब मैं राज्य करने के लिए आऊँगा आप लोग भी 12 सिंहासन में मेरे साथ बैठ कर राज्य करेंगे, ये सब चीज़ें तब वो लोग यीशु मसीह जिंदा रहा यरूशलेम शहर में गलीलिया में कपरनहूम में ऐसे स्ट्रीट्स में गली गली में ऐसे धूल पूरा धूल मिट्टी में ऐसे चल कर इधर कोई कोई बार खाना नहीं मिला कोई कोई रेस्ट नहीं मिला, इधर जा रहा है उधर जा रहा है इधर सो रहा है उधर सो रहा है कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे समय में वो लोग उसके पीछे गए उसके साथ अपने आप को जोड़ दिए, वो लोगों को कितना महिमा मिल गया। प्रिय भाई बहनों हमारे जीवन में हमेशा प्रभु के बच्चों के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए, प्रभु के सेवक लोगों के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए, कोई सेवकाई के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए हम कभी भी लज्जित नहीं होना चाहिए, मसीह करके बोलने के लिए हम लज्जित नहीं होना चाहिए,
दुनिया वाला जैसे हम जो उद्धार पाने के पहले जो जो किया गया पागर की रीति से भी वो सब डर के मारे करके करके लोगों को पता नहीं चला ये यही है, ये मसीह धर्म का है नहीं तो दूसरा धर्म का है, पता भी नहीं चलता है कोई कोई किसी को। प्रभु के लिए कुछ कष्ट सहने के लिए, निंदा अपमान सहने के लिए डरते हुए कितने लोग मसीहों के साथ अपने आप को जोड़ते नहीं हैं, गुप्त रीति से मसीह को आराधना करते हैं, कोई कलीसिया नहीं जाते हैं कोई कोई लोग। कितने विश्व में ऐसे लोगों को जीवन में भी एक सेवक बोल रहा था आखिरी दिनों में जो जिलावट आएगा रिवाइवल आएगा तब ऐसे लोगों को भी प्रभु मुलाकात करेंगे जो जो डर के मारे घर का अंदर ही रहकर प्रभु को आराधना करते हैं, कुछ कलीसिया के साथ अपने आप को जोड़ा नहीं है, कुछ सेवकाई के साथ अपने आप को जोड़ा नहीं है, दूसरे प्रभु के बच्चों के साथ अपने आप को पहचान नहीं किया, ऐसे लोगों को भी प्रभु मुलाकात करेंगे। लेकिन ऐसे हम ना रहें, उसके लिए इंतज़ार ना करें, अभी प्रभु के बच्चों के साथ प्रभु के नाम के साथ हम अपने आप को पहचान करें, अपने आप को जोड़ दें ताकि उनका राज्य में, उनका राज्य जब आएगा हमारे लिए बड़ी महिमा हमको मिलेगा, बड़ी महिमा मिलेगा। ऐसे कितने लोग मूसा को देखिए, मूसा मिस्र देश में इतना एक बड़ा पोस्ट में था, वो एक प्रिंस था, राजकुमार, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत धनवान, लेकिन वो उसको मालूम हो गया प्रभु से चुने हुए लोग स्पेशल गए इसराइल लोग, वो लोग क्या काम करते हैं, वो लोग झोंपड़ी में रहते होंगे, ये तो राजमहल में रहता है, अच्छा अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, वो झोंपड़ी में पूरा दिन वो ईंटा बनाने का काम, पूरा मिट्टी को दबा दबा कर एक तैयार करना ईंटा बनाने के लिए, उसको जलाकर अच्छा से ईंटा बनाना, ये बांध काम में काम करना, और ये मिस्र लोगों के घरों में घर का काम वाली का काम करना, इतना वो लोग का परिस्थिति, मूसा का परिस्थिति कहाँ है, इसराइली लोगों का परिस्थिति तब कहाँ। लेकिन मूसा ने समझ लिया गए मेरा पूर्वजों को परमेश्वर इन लोगों को, ये लोग चुने हुए हैं, स्पेशल पीपल है, ये लोग का परिस्थिति ऐसा है अभी, लेकिन ये लोग वायदा पाया हुआ संतान है, अब्राहम इसहाक याकूब को प्रभु कितने वायदे वाचा बांधा है, ये मूसा को मूसा पहचान लिया। इसलिए मूसा ने जो मिस्र देश के जो भी मोह विलास खुशी आनंद वो सब छोड़कर इसराइल लोगों के साथ अपने आप को पहचान लिया, जोड़ दिया अपने आप को। मूसा के बारे में सबको मालूम है, अभी भी प्रभु उनका नाम को बड़ा आदर किया। कभी भी प्रभु जो जो प्रभु के लिए कुछ छोड़ते हैं, प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, प्रभु के बच्चों के साथ कुछ चीज़ छोड़कर, कुछ त्याग कर, कुछ अपमान निंदा सहन कर, कष्ट सहन कर प्रभु का पीछा चल रहे हैं, पीछा कर रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, हम धन्य हैं, हम धन्य हैं। अभी ऐसे दिखाई देगा, हमेशा ऐसे दिखाई देता है। पौलुस के बारे में सोचिए, पौलुस के साथ कितने लोग उस समय में उसको मदद किए होंगे, इधर उधर उसको एक घर में छुपा के रखा था, एक बार था डमस्कस में, और कई बार वो उसके लिए जो ज़रूरत था मकदोनी लोग उसको अपना दरिद्रदास से भी वो लोग बगदाद से दिए उदारत्वदास से, और फिलिपी कलीसिया के बारे में बोल रहा है तुम लोग भी मुझे मदद किया संकट का समय में, जब आर्थिक समस्या था मुझे आप लोग मुझे मदद किया, कष्ट के समय में मेरे साथ रहा आकिल्ला प्रिस्किल्ला, वो लोग पौलुस के लिए अपना गला भी देने के लिए तैयार हो गए, वो भी इतना इधर उधर पौलुस भी पकड़ा गया, कैद कर दिया गया, इतना बार चाटा मार दिया गया, उसको मतलब कोड़े मारवाया उनको, तीन बार ऐसे बोल रहा है, इतना उसके साथ अपने आप को जो जो पहचान लिया गया, तिमोथियुस तीतुस एपफ्रा तीतुस, ये लोग ऐसे बुद्ध जैसे लगे होंगे, लूका डॉक्टर लूका, डॉक्टर लूका पौलुस के साथ साथ आखिरी तक रहा, इतने लोग पौलुस के साथ अपने आप को पहचान अपने आप को जोड़ दिया। लेकिन उस समय में
वो लोग भी क्या बेचारे, ये पौलुस के साथ पीछे पीछे जा रहे हैं, पौलुस को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई कोई यासोन करके एक व्यक्ति अपना घर में पौलुस को रखा था, इसलिए उसको भी पिटाई मिला। प्रिय भाई बहन, लेकिन पौलुस का चिट्ठी लिखने के लिए भी कोई मदद किए होंगे, पेपर लेके दिए होंगे, इंक दे के लिए इंक खरीद के दिए होंगे, और कोई कोई बोलते बोलते लिखते भी होंगे, कोई इधर से उसको लेकर दूसरा जगह में पहुंचाने वाला भी हो गए होंगे। ये सब चीज़ें उस समय में महत्व नहीं देखा, दिखाई दिया, लेकिन अभी हमको मालूम है वो कितना महत्व है, काम है। पौलुस के द्वारा कलिसिया का जो उपदेश, नींव उपदेश, नई वाचा का नींव उपदेश पौल के द्वारा ही प्रभु ने प्रकट किया। इसके लिए मदद किए हुए लोग, पौलुस के साथ जो जिंदा था तब जो जो मदद किए, उन लोगों के लिए कितना आदर मिलेगा स्वर्ग में। स्वर्ग अनंत काल तक रहने वाला समय है, उसका कुछ अंत नहीं है, समय का कुछ ये सीमा उधर नहीं है। हम ऐसे रखेंगे रखेंगे रखेंगे, युगानुग रखते रहेंगे। वो कितना धन्य है, कितना बुद्धिशाली है, जो वे लोग अभी प्रभु यीशु के नाम के साथ, यीशु के बच्चों के साथ, उनके सेवक लोगों के साथ अपना आपको जो जो पहचान लेते हैं, अपना आपको जोड़ते हैं, वो लोग कितना धन्य है, वो लोग बुद्धिशाली लोग हैं सचमुच में। जिस चीज़ का आत्मिक अंग खुल गया है वो लोग ये सब करेंगे, जिस चीज़ का आत्मिक अंग बंद पड़ा है वो लोग अंधा जैसे रहते हैं, वो लोग दूर रहते हैं, प्रभु के बच्चों से दूर रहते हैं। वे मसीह करके बोलने के लिए शर्मिंदा होते हैं, प्रभु बोल रहा है मनुष्य लोगों के सामने मेरे नाम को अंगीकार करने के लिए, मतलब कबूल करने के लिए जो जो लोग शर्मिंदा होंगे, मैं उन लोगों के विषय में स्वर्ग में मेरे पिता के सम्मुख में, स्वर्गीय दूतों के सम्मुख में मैं भी शर्मिंदा होऊंगा। कितना ये दुखी की बात है। हम चुप चुप के न रहें, मसीह बन गया हिम्मत से बोलें, उसके साथ कुछ जो कष्ट मुसीबत आएगा तो भी हम उसके बारे में सोचना नहीं है, उसके लिए आदर महिमा में प्रभु जरूर देंगे, लेकिन प्रभु का पीछा करें, प्रभु के साथ अपना आपको जोड़ दिए। प्रभु बोल रहा है ये सब प्रभु से संभव है, प्रभु से संभव है। मनुष्य लोग अपने वो ये व्यक्ति, वो जवान व्यक्ति अपने आप वो कर नहीं पाया, बड़ा धन संपत्ति उसके पास था, वो अपना बल से वो कर नहीं पाया, लेकिन प्रभु का जो जो प्रेम करके, जो जो धनी लोग भी उनके पीछे गए वो लोग धन्य हैं, वो लोग सचमुच में, वो लोग को पता चल गया है ये मसीह यीशु मसीह का अंदर विशेष चीज़ है, यीशु मसीह मसीहा है। ये सब जानकर वो लोग पीछे गए, वो हमेशा विश्व इतिहास में ऐसे रहता है। उस समय जब होता है तब वो महत्व नहीं दिखता है, बड़ा नहीं दिखता है, लेकिन बाद में वो सब कुछ दिखाई देने लगता है। तब कई लोग मार पीट के रोएंगे अनंत काल में, जब जो जो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। कितनी बार हम सुसमाचार बताते हैं, लोग इनकार करते हैं, नहीं यीशु मसीह के बारे में हमसे पता ना नहीं है, छोड़ दीजिए आपको मारपीट मिलेगा, यीशु मसीह के बारे में बताएंगे तो। कितने लोग ऐसे बोलकर सुसमाचार को तिरस्कार करते हैं, लेकिन प्रिय भाई बहनों वो लोग कितना नरक में, कितना छाती पीटेंगे, दांत पीसेंगे। वो मैं उस दिन में इस महत्व को मैं जानने के लिए मेरा आंख खुला रहता होता तो कितना अच्छा था। मैं अंधा होकर, मूर्ख होकर सुसमाचार को मैं तिरस्कार किया, यीशु मसीह का पीछा नहीं गए, यीशु मसीह को, यीशु मसीह के बच्चों के साथ अपने आप को पहचाना नहीं है, मैं दूर दूर ही रखा। एक बार एक घर में, एक रूम में थडाल करके एक आवाज़ आया, एक छोटा लड़का का रूम से, मम्मी भाग कर जा रही है, क्या क्या बेटा क्या हुआ? फिर बेटा बोल रहा, मम्मी मैं नींद में बेड से नीचे गिर गया। क्यों ऐसे हुआ, ऐसे मम्मी पूछ रही है। तब वो लड़का बोल रहा है, मैं जब बेड में चढ़ा तब उसका उसी साइड में थोड़ा इसमें में मैं सोने लगा, बेड का पीछ मध्य भाग में मैं नहीं गया, जो एड्स गए किनारे में मैं ऐसे चढ़ा, किनारे में मैं सोने लगा।
इसलिए भी मैं नींद में ऐसे पलटी मारा तो मैं नीचे गिर गया। ऐसे कई मसीह लोगों का जीवन ऐसा है, वो लोग मसीह बन जाते हैं, उद्धार पा लेते हैं, लेकिन ऐसे किनारे में रहते हैं, ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहते हैं, ऐसे रहते हैं मसीह ना, नहीं तो ये धर्म नहीं तो वो धर्म, कोई भी बता नहीं पाएंगे। वो लोग अपना आपको एक दूर रखते हैं, कलिशा में अभी आते हैं तुरंत आमेन डालते हुए तुरंत भाग लेते हैं, भाग जाते हैं, किसी के साथ कुछ बातचीत नहीं है। कलिशा में क्या हो रहा है, क्या ज़रूरत है, दूसरे भाई बहन लोग को क्या तकलीफ है, पूछताछ भी नहीं करेंगे। वो अपना आपको मसीह परिवार से थोड़ा दूर रखना चाहते हैं। ऐसे लोग कभी भी गिर सकते हैं। हम ऐसे झुंड में ना रहें, प्रभु को हम गर्व के साथ एक घमंड के साथ प्रभु का नाम को बताएंगे, लेंगे उसको हमारे मुंह में, उसका नाम को हम जरूर आशीष पाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करें। आमीन।